हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर सीटी स्कैन। तो हमने देख लिए थे कि हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं सीटी स्कैन के अंदर और सीटी स्कैन किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सीटी स्कैन किस तरीके से और किस किस इक्विपमेंट से वर्क कर रहा है, उसको क्या नेसेसरी है सीटी स्कैन को एक हमें एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करने के लिए। तो हम देखते हैं इक्विपमेंट फॉर सीटी स्कैन। देखिए, ये DRT एंड BRT दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, बट ये तभी आता है जब जो क्वेश्चन आ रहा है वो लेंथी होगा, तभी हम इक्विपमेंट फॉर सीटी स्कैन उसको बताने होंगे। तो इक्विपमेंट फॉर सीटी स्कैन इसलिए लेंथी क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीटी सिस्टम कंप्राइजेज सेवरल कंपोनेंट्स, कि एक सीटी सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। दिस बेसिकली इंक्लूड्स, जो बेसिकली हमें क्या कहा जाता है, कंट्रोल कंसोल, कंप्यूटर, गैंट्री एंड काउच। द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल क्या होता है कि जो जिससे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, एक कंसोल होता है जिससे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अंदर की मशीन को। ये कंट्रोल कंसोल जो होता है कंसोल रूम में होता है। फर्स्टली तो कंसोल रूम यानी उस मशीन के दूसरे एडजेसेंट एक रूम होता है जिसे हम कंसोल रूम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखा जाएंगे कि तीन टाइप के कंट्रोल कंसोल इसने बताए हैं, A, B and C। ए कंट्रोल कंसोल में क्या है, ये टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है। ठीक है, जो ताकि ऑपरेट कर सके वो इमेजिंग सिस्टम को, फॉर टेक्नोलॉजिस्ट टू ऑपरेट इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसे ऑपरेटिंग कंसोल। ये इसमें क्या क्या होता है, मीटर्स होंगे, KVPMAS मीटर्स प्रेजेंट होंगे। कंट्रोल फॉर टेक्निक फैक्टर्स, टेक्निक फैक्टर्स को कंट्रोल्स के लिए जो कंट्रोल बटन्स होते हैं वो होंगे। कंट्रोल्स फॉर मूवमेंट ऑफ गैंट्री एंड काउच, जो गैंट्री और काउच मूवमेंट हो रहा है मशीन में उसके ये कंट्रोल बटन्स होंगे इसके अंदर। एंड कमांड्स फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र, यानी कि जो हमारे पास इमेज आई है उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कमांड और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे कंसोल में या फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसके अंदर कमांड्स होगी। तो द फर्स्ट वन यानी जो ए कंट्रोल कंसोल है वो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है, ऑपरेटिंग इमेजिंग कंट्रोल यानी ऑपरेटिंग कंसोल। द नेक्स्ट वन इज़ बी, ये भी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है लेकिन ये होता है पोस्ट प्रोसेस इमेजिंग के लिए, यानी कि अब जो इमेज हमने ले ली है उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है हमको। इसमें क्या करना पड़ता है, यूज़ टू एनोटेट पेशेंट डाटा, यानी जो पेशेंट डाटा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेज, और इमेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये किस पार्ट की और किस लिए हमने इमेज ली है। द थर्ड वन इज़ सी कंट्रोल कंसोल, ये फिजिशियंस के लिए प्रोवाइडेड होता है और इसमें वो इमेजेस को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि यानी अगर हमने इंटायर सेक्शन को एज ए इमेज ले लिया है तो ये क्या कर सकते हैं, उसे क्रॉप कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस की कमी है तो हम वो क्या कर सकते हैं, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंट्रोल कंसोल, A, B and C, जिसमें से A और B टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है एंड C फिजिशियन के लिए है। सो नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन सीटी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इमेजिंग सिस्टम, यानी अब ये क्या करता है, ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है एक सीटी टेक्नोलॉजिस्ट के बीच में और इमेजिंग सिस्टम के जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, कैसे, इट हेल्प्स टू रिकंस्ट्रक्ट अ सीटी इमेज फ्रॉम द मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू डिजिटलाइज्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट रॉ डाटा, यानी कि ये एक सीटी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा उन्हें डिजिटलाइज करेंगे और उस जो रॉ डाटा है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए इट हैज़ सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें क्या क्या होता है, सीटी नंबर्स, कि जो हर पार्ट है उसके सीटी नंबर्स होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन टेक्निक्स, यानी अगर मान लो कि एक एंटायर सेक्शन है उसमें से हमें आर्टरी लेनी है या फिर वेन लेना है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की, उसको उससे अलग करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। रिकंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि जो इमेजेस में अब जो हमारे पास एक्सेल स्कैन आ रहा है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉर्नल और सजाइटल प्लेन्स में उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स होंगे। तो ये उसमें वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सब में ये सब चीज़ें होती है, सीटी नंबर्स होंगे, सब्ट्रैक्शन टेक्निक्स होगी, रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स होंगे। द कंप्यूटर इज डिजाइंड टू कंट्रोल डाटा एक्वाइजिशन प्रोसेसिंग डिस्प्ले एंड स्टोरेज, यानी कंप्यूटर को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो डाटा एक्वाइजिशन यानी हमें जो डाटा प्रोवाइड हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, उसकी प्रोसेसिंग कर सके, उसको डिस्प्ले कर सके और उसकी स्टोरेज भी कर सके। तो ये कंप्यूटर होता है, इसलिए कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले ये लिंक होता है, दूसरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है सीटी इमेजेस को, इसमें सॉफ्टवेयर होता है तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, सीटी नंबर, सब्ट्रैक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मेथड, और इसके अलावा ये डाटा एक्वाइजिशन प्रोसेसिंग डिस्प्ले और स्टोरेज को भी कंट्रोल कर सकता है।
सो नेक्स्ट वन इज गैंट्री, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे सीटी स्कैन का, क्योंकि इसी के अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एक्सरे ट्यूब इसके अंदर होगी, जनरेटर, कॉलीमेटर, फिल्टर, डिटेक्टर, सब इसी के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो सीटी स्कैन मशीन होती है उसका जो बड़ा सा पार्ट होता है, मैसिव पार्ट होता है, एंटायर सा कुछ इस टाइप की शेप का, जिसके अंदर काउच जाता है, ये गैंट्री होती है। ठीक है, इसके अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो फर्स्ट वन इज जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, सीटी स्कैनर यूज थ्री फेज पावर फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ये एक्सरे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा जनरेटर। तो ये क्या करेगा, थ्री फेज पावर यूज होती है सीटी स्कैनर में। ठीक है, मोड थ्री फेज पावर से मतलब है कि इसमें जो इनपुट होगी वो तीन सप्लाई होगी एसी की, और जो आउटपुट होगी वो भी थ्री सप्लाईज होगी, यानी थ्री फेज का मतलब होती है कि थ्री एसी सप्लाईज। ठीक है, मॉडर्न सिटी स्कैनर्स यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर विच आर स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड मोर एफिशिएंट। तो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में कौन से जनरेटर्स यूज होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स, जिससे कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी की डीसी सप्लाई मिलेगी। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स आर लोकेटेड इनसाइड द गैंट्री, गैंट्री के अंदर प्रेजेंट होंगे। दिस जनरेटर्स कन्वर्ट लो वोल्टेज एंड लो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट करंट, यानी अभी क्या करते हैं कि जो लो वोल्टेज के और जो लो फ्रिक्वेंसी की एसी होती है यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसको हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी की डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कितनी फ्रिक्वेंसी, ऑलमोस्ट 500 टू 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी ये दे सकते हैं। करंट सीटी स्कैनर्स हैव मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 40 टू 80 किलोवाट दैट अलाउज केवी इन द रेंज ऑफ 80 टू 140 केवीपी एंड ट्यूब करंट इन द रेंज ऑफ 100 टू 800 एमए। कि इसके कहने का मतलब है कि जो करंट के जो सीटी स्कैनर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर रेटिंग पाई जाती है, यानी 40 टू 80 किलोवाट तक पावर रेटिंग पाई जाती है। पावर रेटिंग क्या होती है, पावर रेटिंग जो होती है वो केवीपी और एमए को डिसाइड करने के लिए जो रेटिंग होती है एक किसी भी मशीन में कि कितना केवी होना चाहिए और कितना एमए होना चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए जो हम रेटिंग निकालते हैं उसे बोलते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, ये इतनी पावर के अकॉर्डिंग इसमें ये होनी चाहिए केवीपी और एमएस। तो इसके अकॉर्डिंग कि ये कितने में वर्क कर सकता है, 80 टू 140 केवीपी तक की रेंज में ये केवी ले सकता है, और ट्यूब करंट ले सकता है 100 टू 800 एमए तक की रेंज में। तो ये होता है हमारा जनरेटर, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज़ हो रहा है, क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी एसी को हाई फ्रिक्वेंसी एसी में डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा केवीपी 80 से 140 यानी 80 टू 140 एंड एमए इज 100 टू 800। तब गैंट्री के दूसरा पार्ट आता है एक्सरे ट्यूब। फर्स्ट वन वाज जनरेटर, तो सेकंड वन इज एक्सरे ट्यूब। इसमें क्या होता है, द मेन पार्ट्स ऑफ एनी एक्सरे ट्यूब, पहली बात तो एक्सरे ट्यूब एक ही टाइप की होती है, आपको पता है, उसमें एनोड होगा एंड कैथोड होगा, जिसके बीच में वोल्टेज सप्लाई के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ स्ट्राइक होने के बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सरेज में। तो सबसे पहले द मेन पार्ट्स ऑफ एनी एक्सरे ट्यूब आर एनोड एंड कैथोड। व्हेन द कैथोड फिलामेंट इज हीटेड, जब कैथोड फिलामेंट को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड विच एक्सलेट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द एनोड, यानी अब कैथोड और एनोड के बीच में एक वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं उनको एक्सेलरेट कर देगा टूवर्ड्स द एनोड। When these electrons strike on the anode, there will be production of heat and X-rays. यानी ये electrons जब anode पे strike करेंगे यानी उनसे टकराएंगे तो उसमें heat और X-rays production होगा। तो heat will be produced 99% and X-ray 1%। तो इतना हमें पता चल रहा है कि X-rays का जो ratio है वो बहुत कम है और heat सबसे ज़्यादा produce हो रही है। तो first जो requirement होगी हमारे लिए कि ये heat dissipation की यानी जल्दी से जल्दी heat removal की। ठीक है, तो ये होता है basic X-ray tube। इन सीटी स्कैन इट शुड सप्लाई मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम, तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की अगर एक्सरे बीम होगी तो उससे एक्यूरेट इमेज रिकंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के किस किस टाइप से बने हुए होते हैं। जो ट्यूब हाउसिंग होती है, ट्यूब हाउसिंग मतलब एंटायर ट्यूब, जो एंटायर ट्यूब के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इनक्लोज करने वाली जो ट्यूब हाउसिंग होती है उसका मटेरियल क्या होता है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, बोरोसिलिकेट की या फिर मेटल सिरेमिक की। नेक्स्ट वन कि डिस्टिल्ड ऑयल इज़ यूज्ड एज कूलिंग इफेक्ट, यानी डिस्टिल्ड ऑयल मतलब ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, इज़ यूज्ड एज कूलिंग इफेक्ट फॉर हीट, फॉर हाई हीट डिसिपेशन, यानी कूलिंग इफेक्ट के लिए। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जो 99% हीट प्रोड्यूस हुई है, अब उसको हटाने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं मेनली, बट इसमें
बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर डिस्टिल्ड ऑयल यानी ऑयल प्लस वाटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीट स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ट्यूब हाउसिंग की, 1.5 to 8.3 MHU मेगा हीट यूनिट, इतनी इसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतनी हीट तक ये डैमेज नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कैथोड। कैथोड क्या होता है, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, ये हमें पता है टंगस्टन मटेरियल का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि इसकी एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। दूसरा डुअल फोकल स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट फॉर हाई रिजोल्यूशन, यानी इसमें दो फोकल स्पोर्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दो फोकस होंगे, 0.6 से 1.6 mm तक की रेंज के हो सकते हैं। एनोड इसका लार्ज डायमीटर होता है कंपेयर टू नॉर्मल एक्सरे ट्यूब, अगर हम नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में देखें उसके एनोड से ये बड़ा एनोड होता है। इसका मटेरियल टंगस्टन प्लस रेनियम होता है, ठीक है, टंगस्टन तो वही कि इसमें इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए, और रेनियम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसकी जो पिटिंग होती है, टंगस्टन की जो पिटिंग हो रही है रोटेट होगा तो उसमें पिटिंग होने लग जाएगी, तो उससे उसको बचाव के लिए यानी उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसमें रेनियम ऐड कर देते हैं ऑलमोस्ट 10%, 90% विल बी टंगस्टन एंड 10% विल बी रेनियम। एनोड एंगल जो होगा इसका वो 10 से 12 डिग्री का एनोड एंगल रखेंगे, हाई स्पीड रोटेशन रखेंगे यानी 9000 से 12000 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी इतने चक्कर वो पर मिनट लगाएगा। हीट डिसिपेशन रेट क्या होगी, 1 MHU यानी 1 मेगा हीट यूनिट पर मिनट, यानी पर मिनट में 1 मेगा हीट यूनिट को उसको डिसिपेट करना होगा यानी उसको रिमूव करना होगा। अब KVP ऑफ एक्सरे यूज, हम किस KVP की एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, 120 से 140 KVP की एक्सरेज हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सरे ट्यूब की, किसका एनोड बना होता है, किसका कैथोड होता है, इस टाइप से। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट विच विल बी प्रेजेंट इन गैंट्री विट इज कॉलिमेशन, ठीक है, हमने दो देख लिए हैं, जनरेटर एंड एक्सरे ट्यूब, थर्ड वन इज कॉलिमेशन। कॉलिमेशन मतलब कि उसको कॉलिमेट करना है, यानी जो बीम की जो साइज है उसको कॉलिमेट करना है, यानी उसको रेगुलेट करना है, कम से कम करना है, ठीक है। CT स्कैनर यूजेस 1 or 2 कॉलिमेटर्स, या तो एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है, विच रिड्यूस पेशेंट डोज को कम करेगा एंड इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, ठीक है। मल्टी स्लाइस स्कैनर यूजेस ओनली 1 कॉलीमीटर, जो मल्टी स्लाइस स्कैनर होते हैं वो सिर्फ एक कॉलीमीटर यूज करते हैं, विच वन इज प्री पेशेंट कॉलीमीटर, ठीक है। तो दो टाइप के कॉलीमीटर यूज होते हैं, प्री पेशेंट कॉलीमीटर, पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर। प्री पेशेंट कॉलीमीटर जो कि पेशेंट से पहले प्रेजेंट होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले ही प्रेजेंट होगा। इट इज माउंटेड ऑन द ट्यूब हाउसिंग, जो ट्यूब हाउसिंग होती है, एक्सरे ट्यूब होती है, उसके ऊपर माउंटेड होगा, या फिर एडजेसेंट टू इट यानी, या फिर उसके पास में होगा। दिस कॉलीमीटर लिमिट्स द एरिया ऑफ पेशेंट, यानी कि ये कितना पेशेंट का एरिया कवर होना चाहिए उस चीज़ को लिमिट करता है प्री पेशेंट कॉलीमीटर, ठीक है। दैट इंटरसेप्ट द यूजफुल बीम, यानी इस टाइप से कि वो पेशेंट के एरिया को लिमिट करने के लिए क्या करेगा कि बीम को इंटरसेप्ट कर देगा कि कितने एरिया में जाना चाहिए, पेशेंट का कितना एरिया आना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा, एंड देन डिटरमाइंस पेशेंट डोज। तो इस तरीके से पेशेंट डोज को भी डिटरमाइन कर लेगा। नेक्स्ट इज पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर, ये क्या होता है, पेशेंट के बाद में प्रेजेंट होता है। रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सरे फील्ड व्यूड बाय डिटेक्टर एरे, यानी कि अब जो एक्सरे फील्ड डिटेक्टर के द्वारा कितना उसको मेजर करना चाहिए उसको ये डिटरमाइन करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन डिटेक्टर, यानी कि डिटेक्टर के ऊपर स्कैटर रेडिएशन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड व्हेन प्रॉपरली कपल्ड विद प्री पेशेंट कॉलीमीटर, अगर ये प्रॉपरली कपल्ड है यानी प्रॉपरली जुड़ा हुआ है प्री पेशेंट कॉलीमीटर से, तो ये स्लाइस थिकनेस को भी डिफाइन कर सकता है। डज नॉट इन्फ्लुएंस पेशेंट डोज, अब इसका पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर का कोई भी रोल नहीं होता पेशेंट डोज को प्रभावित करने के लिए, पेशेंट डोज को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्री पेशेंट कॉलीमीटर करेगा, पेशेंट डोज डिटरमाइन, पोस्ट पेशेंट कॉलीमेशन नहीं करेगा। तो ये होती है कॉलीमीटर का अरेंजमेंट। द फर्स्ट वन इज, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से एक्सरे जा रहा है, ये एक्सरे ट्यूब का फर्स्ट कॉलीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले यानी पेशेंट से पहले ये एक्सरे ट्यूब कॉलीमीटर कहा जाएगा, इसे कह देंगे प्री पेशेंट, यही क्या कहलाता है, प्री पेशेंट, क्योंकि ये पेशेंट से पहले प्रेजेंट है। देन ये ऑब्जेक्ट, इसने इसको डिटरमाइन कर दिया कि कितनी आनी चाहिए। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट के बाद में गई, तो ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर से पहले है डिटेक्टर कॉलीमीटर और पेशेंट के बाद में है, तो इसे क्या कह देंगे, पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर, ठीक है। तो ये डिटेक्टर को बता देगा। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि ये जो प्री पेशेंट है ये तो ऑब्जेक्ट पे कितनी एक्सरे बीम जानी चाहिए उसको रेगुलेट कर रहा है, और जो ये पोस्ट पेशेंट है वो डिटेक्टर पे कितना, डिटेक्टर उसको कितना डिटेक्ट करना है, डिटेक्टर के पास कितनी एक्सरे बीम पहुंचनी चाहिए ये उसको रेगुलेट कर रहा है, और फिर ये डिटेक्टर से कंप्यूटर तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ कॉलीमीटर्स।
सो ये हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैन, ये अभी आधे हुए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के देखेंगे, ठीक है, कॉलीमेटर के बाद में क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं सीटी स्कैन के अंदर। तो इफ़ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।